हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल में, शर्मा हॉन्टेड नरेटिव में। तो आज की जो कहानी है वो वेयरवुल्फ की है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है आज से 50 साल पहले की। वहाँ के लोगों ने वेयरवुल्फ को असल में देखा था। आखिर वो घटना क्या थी, चलिए जानते। राजस्थान का जो धौलपुर शहर है वहाँ पर एक घटना ऐसी घटी कि उसमें लोगों के होश उड़ गए। उस दिन क्या हुआ था कि लोग रात को खेतों से काम करके अपने घर की तरफ जा रहे थे, और वो अचानक ही जब वो जंगल को क्रॉस कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जंगल में एक बड़ी सी विशाल आकृति उनकी तरफ बढ़ती हुई आ रही है, जो कुछ आधा मानव और आधा भेड़िया था। और उसकी जो स्पीड थी वो नॉर्मल लोगों से बहुत अधिक थी। देखते ही देखते वो विशालकाय आकृति उनके पास आ गई और उनमें से किसी एक जने को उसने दबोच लिया। बाकी के जो चार लोग थे वो वहाँ से तुरंत भागे। अगले दिन वहाँ पे उस बंदे की लाश मिली, आधी खाई हुई और आधी बची हुई। लोगों में आज भी उस बात का बहुत डर है, क्योंकि उस दिन ऐसा भयानक स्थिति कभी किसी और ने नहीं देखी थी। और आज भी उस बात को याद करके लोग बहुत कांपते हैं। ये दरअसल बात धौलपुर की है, जो राजस्थान में स्थित है। और वहाँ पे आप कभी भी जाएंगे और लोगों से इस बारे में पूछेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे। ये भेड़ा मानव की पहली कहानी थी। अब जो दूसरी कहानी है वो अभी इन्हीं दिनों की है, तो चलिए उसको भी चालू करते हैं। तो दोस्तों, अब जो आगे की जो कहानी है वो पाँच दोस्तों के ऊपर है। एक छोटे से गाँव में पाँच दोस्त रहा करते थे, और उनमें से पाँचों के पाँचों बहुत ही दिलचस्पी रखते थे किसी हॉन्टेड प्लेस पे जाने का, या ऐसी कोई जगह जहाँ गवर्नमेंट ने मना कर दिया हो फिर भी वो लोग वहाँ जाते। उनको बहुत रुचि थी ये सब चीज़ें देखने में। तो एक बार उनका दोस्त जो राहुल है उसको पता चलता है कि राजस्थान के एक छोटे से गांव में वेयरवुल्फ को देखे जाने की घटनाएँ प्रसिद्ध हो रही है। तो उसका मन बन जाता है वहाँ जाने का। तो अपने दोस्तों को कन्विंस करता है कि वहाँ जाने का। पर कुछ दोस्त कन्विंस होते हैं, उनमें से दो नहीं होते हैं। पर राहुल ज़िद पे अड़ जाता है कि हम पांचों के पांचों वहाँ जाएंगे। तो उन्होंने वहाँ जाने का प्लान किया। तो उसके बाद की जो घटनाएं हैं मैं आपको पिक्चराइजेशन करके बताना चाहूँगा। नेहा और सीमा को पहले तो इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब विक्रम ने उन्हें वो जगह दिखाई जहाँ कुछ लोगों ने कथित रूप से भेड़िया मानव को देखा था, तो उनका शक धीरे धीरे उत्सुकता में बदल गया। राहुल, क्यों ना हम इस रहस्य की गहराई में उतरें, कौन जानता है शायद हम कुछ ऐसा ढूंढ लें जिसे अभी तक कोई जान नहीं पाया। नेहा, तुम्हें सच में लगता है कि ये सब सच हो सकता है? भेड़िया मानव जैसी चीज सिर्फ कहानियों में होती है। सीमा, हो सकता है, लेकिन अगर सच निकला तो सोचो कितनी बड़ी खोज होगी, हमें इसे जांचना चाहिए। राकेश, मैं तो कहता हूँ कि ये सब गाँव वालों की बनाई हुई अफवाहें, लेकिन अगर तुम सब जा रहे हो तो मैं भी चलूँगा, मज़ा आएगा। सभी दोस्तों ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए रात को उसी जंगल में जाएंगे। वे अपनी टॉर्च, खाने पीने की चीज़ें और कुछ ज़रूरी सामान लेकर तैयार हो गए। उनमें से कुछ उत्साहित थे जबकि कुछ के दिलों में थोड़ा सा डर भी था, लेकिन कोई भी इसे जाहिर नहीं कर रहा था। जब वे जंगल के पास पहुँचे तो वहाँ की खामोशी और अंधेरे में उनके अंदर एक अजीब सा डर पैदा कर दिया, लेकिन उनके मन में ये ठान लिया था कि वे पीछे नहीं हटेंगे। विक्रम, देखो हमें यहाँ बस कुछ देर ही रुकना है, अगर कुछ दिखा तो ठीक, नहीं तो हम इसे महज एक कहानी मानकर लौट जाएंगे। राहुल, लेकिन याद रखो हमें एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ना है, जो भी हो हम एक साथ रहेंगे। इस फैसले के साथ सभी दोस्त जंगल की गहराइयों में उतर गए। उनके दिल में उत्सुकता और डर का मिश्रण था, लेकिन उनके कदम उन्हें उस रहस्य की ओर खींचे जा रहे थे जिसे अब तक कोई सुलझा नहीं पाया था। क्या वे भेड़िया मानव की सच्चाई का पता लगा पाएंगे, या ये सिर्फ एक मिथक बनकर रह जाएगा? ये सवाल उनके दिलों में गूंज रहा था, और जल्द ही उन्हें इसका जवाब मिलने वाला था। जंगल की गहराइयों में चलते चलते रात और भी काली हो गई थी। हर तरफ बस टॉर्च की हल्की रोशनी और पत्तों की सरसराहट थी। दोस्त एक दूसरे के करीब चलते हुए चारों ओर नजरें घुमा रहे थे। हर आवाज़ उनके दिल की धड़कनें तेज कर रही थी। जैसे ही वे एक पुराने टूटे फूटे मंदिर के पास पहुंचे, अचानक ही विक्रम रुक गया। उसने कुछ दूरी पर एक परछाई देखी जो पेड़ों के बीच हल्की रोशनी में हिलती हुई सी लग रही थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। विक्रम घबराते हुए, वो देखो वहाँ कुछ है।
बाकी दोस्तों ने विक्रम की ओर देखा और फिर उसी दिशा में टॉर्च की रोशनी डाली। जो उन्हें दृश्य दिखा वह उनके होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। वह एक भयंकर आकृति थी, आधा इंसान आधा भेड़िया, जिसकी लाल चमकती आंखें और बड़े बड़े नुकीले दांत थे। वह आकृति सीधे उनकी ओर घूर रही थी, जैसे कि वह उन्हें ही देख रही हो। सीमा डरते हुए, भगवान के लिए सच में क्या है, ये कोई सपना तो नहीं? राहुल, ये वही है भेड़िया मानव, हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वह भयानक जीव एक जोरदार आवाज़ के साथ उनकी ओर बढ़ने लगा। दोस्तों के पैरों के तले जमीन खिसक गई। नेहा चीखते हुए, भागो, जल्दी भागो। दोस्तों ने होश संभालते ही भागना शुरू कर दिया। जंगल की कटीली झाड़ियाँ उनके शरीर को चीर रही थी, लेकिन उन्हें बस एक ही चीज़ की फिक्र थी, वो है अपनी जान बचाने की। राकेश, वो पीछे आ रहा है, जल्दी करो और तेज भागो। पैनिक में एक दूसरे से अलग होते हुए वे अलग अलग दिशाओं में दौड़ पड़े। चारों तरफ सिर्फ चीखें और पत्तों की खड़खड़ाहट गूंज रही थी। विक्रम और राहुल जैसे तैसे एक पेड़ के पीछे छिप गए। दोनों की सांसें तेज चल रही थी, लेकिन सीमा और नेहा अलग हो गई थी और उनके चिल्लाने की आवाज़ दूर कहीं से आ रही थी। राहुल हाँफते हुए, हमें उनको ढूंढना पड़ेगा, ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। विक्रम, भगवान हमें बचा लो, हम यहाँ से कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन उस समय भेड़िया मानव के डरावने पंजों से बचने के लिए जो भी कर सकते थे वे सब नाकाफी सा लग रहा था। रात के उस अंधेरे में, जंगल की खामोशी में उनकी चीखें गूंज रही थी और भेड़िया मानव की भयंकर आकृति अब उनके लिए एक मौत का फरिश्ता बन गई। दोस्तों की यह डरावनी रात अब एक जीवित दुख में बदल चुकी थी और उन्हें नहीं पता था कि वे इस जंगल में कभी सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे या नहीं। पांच दोस्त का समूह, राहुल, विक्रम, नेहा, सीमा और राकेश, जो भेड़िया मानव की कहानी को महज एक मिथक समझते थे, उस रात जो उन्होंने अनुभव किया वह उनकी ज़िंदगी का सबसे डरावना अविश्वसनीय अनुभव बन गया। उत्सुकता और रोमांच की भावना से प्रेरित होकर वे एक जंगल की गहराइयों में उस रहस्यमय प्राणी को ढूंढने निकल पड़े थे, जिसे गांव वाले भेड़िया मानव के नाम से जानते थे। जंगल में पहुंचते ही उन्होंने एक भयंकर प्राणी को अपनी आंखों से देखा, आधा इंसान आधा भेड़िया, जिसकी लाल चमकती आंखें और नुकीली दांतों ने उनकी आत्मा को हिला दिया। वे दृश्य उनके लिए किसी दुख से कम नहीं था। डर के मारे वे सब भागने लगे, लेकिन जंगल की अंधेरी राहों और कटीली झाड़ियों में उनकी चीखें गूंजने लगी। इस भयंकर अनुभव के बाद उनके दिलों में भेड़िया मानव के प्रति एक मिश्रित भावना बस गई। एक ओर उस भयंकर प्राणी का डर और दूसरी ओर उस रहस्य की ओर खींचने वाली एक अजीब सा आकर्षण। भेड़िया मानव की कहानियाँ अब उनके लिए महज लोक कथाएँ नहीं रही, बल्कि एक ऐसी सच्चाई बन गई जो उन्होंने स्वयं अनुभव की थी। इस घटना ने उन्हें यह सिखाया कि हर कहानी के पीछे कुछ ना कुछ सच होता है, और कई बार उन रहस्यों की तह तक जाने की कोशिश करना बहुत महंगा पड़ सकता है। भेड़िया मानव की कहानियाँ हमारे अंदर छिपे उस अनजाने डर और फंसाने की भावनाओं को प्रतीक है, जो हमें अनदेखे और अनजाने खतरों की ओर खींचती है। उनके लिए घटना एक सबक बन गई। हर रहस्य का पीछा करना ज़रूरी नहीं, खासकर जब रहस्य एक भयानक दानव की शक्ल में आपके सामने आ गया। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपके पास भी अगर कोई कहानी है तो हमें ज़रूर बताएं, हम आपका वो कहानी सबको बताएंगे।